मोदी सरकार पर अपने तल्ख तेवर दिखाने वाली कांग्रेस अर्थव्यवस्था पर केंद्र की लगातार घेराबंदी कर रही है और जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है उस वक्त से राहुल गांधी की तरकश से निकलने वाला हर तीर मोदी सरकार पर चल रहा है। आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तीर मोदी सरकार को घायल कर ही रहे हैं, लेकिन वो ट्विटर के जरिए भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुटकी लेते हुए कहा, डियर प्रधानमंत्री, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और आपको ये सोचना चाहिए कि इस तोहमत से आप खुद को कैसे बचाएं। बेखबर निर्मला जी द्वारा पेश किए गए बकवास बजट का उपयोग कीजिए, उन्हें हटाइए और सारा दोष उनके ऊपर थोप दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मोदी सरकार को घेर चुके हैं। हाल ही में मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये शर्म की बात है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे युवकों को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है और ऐसे में अगर दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आती है तो बेरोजगारी से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इनके अलावा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी केंद्र को आईना दिखा चुके हैं। बावजूद इसके सरकार स्थिति सुधारने की बजाय विपक्ष पर ही तंज कसकर अपना पल्ला झाड़ रही है, जिसके चलते कांग्रेस के तेवर अब और भी तल्ख होते जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।